हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वानी और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ, एमिली की, जो कि लंदन से बिलोंग करती हैं। और एमिली को जनवरी 2013 में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी एक बेटी पहले से ही थी और सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसकी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। 12 हफ्ते के स्कैन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो 20 हफ्ते वाले स्कैन में आया, उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। सोनोग्राफी एक्सपर्ट ने जब स्कैन किया तो उनको बेबी के सर के ऊपर कुछ दिखाई दिया, लाइक एक बैग, जो कि एक थैली जो कि पानी से भरी हुई थी। जो टेक्नीशियन थे उनका फेस देख करके एमिली समझ गई कि हाँ, कुछ बुरी खबर है। उसके बाद वो एक एक्सपर्ट के पास गई और उसने डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन ली। एमिली ने एक और स्कैन कराया, तब डॉक्टर ने बताया कि बेबी के सर पर एक बैग है, एक थैली है जो कि एक लिक्विड से भरी हुई है, और ये काफ़ी टेंशन वाली बात है। इससे बेबी के सर पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि जो बच्चा है वो विकलांग हो सकता है। एमिली उस बच्चे की हरकतों को, उसकी एक्टिविटीज़ को हर समय महसूस कर सकती थी कि बच्चा मूव कर रहा है, लात मार रहा है, और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतनी मुश्किल में आ सकती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि इस बेबी में इस प्रॉब्लम की वजह से विकलांगता होना तो तय है। वो बच्चा या तो अंधा होगा, या फिर बहरा होगा, या फिर गूंगा पैदा होगा। सिर्फ समय ही बता पाएगा कि उसके मस्तिष्क पर, उसके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता है। इसके बाद उन्होंने, यानी कि डॉक्टर ने एमिली से अबॉर्शन कराने को कहा। इस कंडीशन में मैक्सिमम लोग अबॉर्शन ही चूज़ करते हैं, लेकिन एमिली ने ये डिसाइड किया कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। उस वक्त उस बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसका जो दिमाग था, उसका जो माइंड था, वो बिल्कुल हेल्दी था। कुछ समय तक रोने धोने के बाद उसने डिसीज़न ले लिया कि वो बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और वो इस बच्चे को जन्म देने के लिए द सीक्रेट का यूज़ करेगी। इसके बाद वो और उसका पति दोनों सड़क पर पैदल चल रहे थे। अचानक क्या हुआ कि एक पोस्ट कार्ड उड़ता हुआ आया और उसके शूज़ में आकर के फंस गया। जब एमिली ने उसे उठाकर देखा तो वो एक सफ़ेद कार्ड था, और इस पर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा हुआ था कि गर्भपात ना कराएं। वो बहुत ही हैरान हुई। उसे लगा जैसे ये यूनिवर्स का मैसेज है, और उसने ये मान लिया कि उसका जो डिसीज़न है वो बिल्कुल सही था। फिर वो घर गई और उसने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में विजुलाइजेशन किया। उसने विजुलाइज़ किया कि उसका जो बच्चा है वो बिल्कुल हेल्दी है, और उसने ये भी विजुलाइज़ किया कि उस बच्चे के सर के ऊपर एक मेटल की कैप लगी हुई है, जिसकी वजह से उस थैली की, वो जो थैली थी, उसका प्रेशर उसके दिमाग पर नहीं पड़ रहा है और वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है। इस तरीके से वो पूरी प्रेगनेंसी में ये विजुलाइज़ करती रही, और हर अपॉइंटमेंट में जब जाती थी तो डॉक्टर यही बताते थे कि उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। 9 महीने बीत गए और उसके बाद उसने एक बहुत ही हेल्दी बच्चे बच्ची को जन्म दिया। और डॉक्टर इस बात से काफ़ी हैरान थे कि 37 हफ्ते के जो आखिरी उसकी अपॉइंटमेंट थी, और उसमें बताया गया कि ये जो थैली थी वो एज़ इट इज़ थी, या वो बड़ी नहीं हुई, और ऐसा बहुत ही कम होता है, ये रेयर केस में होता है। उसने, डॉक्टर ने कहा कि ये एक्सेप्शन है कि ये थैली बड़ी नहीं हुई, और इस थैली का जो इम्पैक्ट है वो बच्चे के सिर पर नहीं पड़ा, और बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। इसके बाद बहुत ही हेल्दी बच्चा पैदा हुआ, और एमिली ने बहुत ही अच्छे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया, इस टेक्निक का यूज़ किया, विजुलाइज़ करती रही, और हमेशा भगवान को
थैंक्स बोलती रही, ग्रेटफुल रही। तो इस तरीके से हम लोग विजुलाइजेशन करके अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सक्सेस स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी और आप भी इस टेक्निक का ऐसे ही यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।